श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस, आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो हम दोनों एक नई वीडियो लेके आप सबके लिए आ गए हैं। सो आज की वीडियो का टाइटल है द ग्रेट मिस्ट्री अबाउट व्हाई कैट्स वर क्रिएटेड कैट्स इन इस्लाम। तो हमने देखी है बहुत सी वीडियो की कैट्स की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। yes. और देखते हैं कि बाकी इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इनके बारे में खुफिया राज हैं, बहुत सी चीज़ें इनके बारे में मानी जाती हैं, बिल्लियों के बारे में ये बनाई गई थी, धरती पर लाई गई। सो इसको सुनते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। मैं दावे से कहता हूँ कि आप में से जिन लोगों के घरों में बिल्लियाँ नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घरों में बिल्लियां ले आएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम बिल्लियों के मुतल्लिक एक पुरसरार सच्चाई जानते थे। उस सच्चाई को इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी इस मखलूक के अजीबो गरीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है? ये जहीन भी होती है और इनका एक ऐसा राज भी है जिसे आप सुनने पर चौंक जाएंगे कि जो मखलूक हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे मौजूद होती है, उनका ये राज आज तक हम क्यों नहीं जान पाए। इस वीडियो में हम बिल्लियों के मुतल्लिक कई गहरे राज जानेंगे और ये जानेंगे कि बिल्लियों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया। तो अगर आप जानने के लिए तैयार हैं तो शुरू करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानदार में नहीं होती। खास तौर पर बिल्लियों के मुतल्लिक वो बातें जो हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने बताई हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की कही बातें इतनी दिलचस्प हैं कि साइंसदान उन बातों की बिना पर बिल्लियों में नई और हैरतअंगेज खसूसियात को ढूंढ पाए हैं। आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने बताई और जिन्हें आज साइंस दुरुस्त साबित कर रहा है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानदारों को अल्लाह ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। सांप के बरक्स बिल्ली में अल्लाह ने कुछ पुरसरार खसूसियात रखी हैं जिनकी वजह से एक इंसान इससे लातादात फायदे हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा है, वो ये कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महजूज होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मरस का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने बिल्लियों के मुतल्लिक क्या फरमाया था। कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिसका नाम मौइज़ा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मौइज़ा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम एक मुहिम पर अपने लश्कर के साथ जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामला थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया ताकि उस बिल्ली को तकलीफ ना पहुंचे, और एक सहाबी को उस बिल्ली की देखभाल पर मामूर कर लिया और हुक्म दिया कि जब तक ये बिल्ली बच्चे को जन्म ना दे तब तक वो वहीं रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम उस मुहिम से वापस आए तो रास्ते में सबसे पहले उस जगह पहुंचे और उस बिल्ली को लिया और अपने साथ ले गए। उस बिल्ली का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने मौइज़ा रखा, जो बाकी तमाम जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के साथ रही। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम आज़ान की आवाज़ से फजर की नमाज के लिए उठे और नमाज की तैयारी में मसरूफ हो गए। फिर जब नमाज पढ़ने आए तो देखा कि उनके मुसल्ले पर वो बिल्ली सो रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने एक कैंची ली और उस मुसल्ले से वो हिस्सा काट दिया जहाँ वो बिल्ली सो रही थी ताकि उस बिल्ली की नींद खराब ना हो। अहदीस में इस मौइज़ा बिल्ली का जिक्र कहीं नहीं मिलता, लेकिन कई तारीखी किताबों में इसका जिक्र मौजूद है। एक हदीस के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म तशद्दुद करने और कत्ल करने से मना किया है। एक दिन हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहीं जा रहे थे कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया।
उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को बताया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने कहा कि एक औरत को इसलिए जहन्नम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ, उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई, फिर उसी बिल्ली की वजह से वो जहन्नम में गई। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना खाना दिया ना पानी और ना ही उसे आज़ाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती, यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा के मारा था इसलिए वो जहन्नम में गई। एक हदीसी मुबारका है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खाना भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी, उस औरत ने खाना वहीं रख दिया तो एक बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से वो खाना खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिला शुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलीद और नजस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियाँ हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि एक बिल्ली का मुंह तमाम हैवान में साफ सुथरा होता है। आपने देखा होगा कि बिल्लियाँ हमेशा खुद को साफ सुथरा रखती हैं, ये ज़्यादातर खुद को साफ पानी से गीला करती हैं और यही वजह है कि इनमें बीमारियाँ बहुत कम होती हैं। इस्लाम में बिल्ली की बहुत अहमियत बयान होती है, लेकिन सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि कदीम मिस्र में भी बिल्ली को अहमियत हासिल थी, यहाँ तक कि उस दौर में किसी बिल्ली को तकलीफ़ देना या कत्ल करना एक इंसान के कत्ल से बड़ी सजा समझी जाती थी क्योंकि कदीम मिस्रियों का ये मानना था कि बिल्ली एक इंसान से ज़्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह थी कि उस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फिरौनों की तरह हनूत किया जाता था। इस्लाम में तमाम जानदारों के साथ अच्छा सलूक देने पर जोर दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज़्यादा है कि बिल्ली में अल्लाह ने एक ख़ास ताकत पोशीदा रखी है। एक जगह पढ़ने को मिला कि एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पूरे बदन में शदीद तकलीफ़ हुई और वो सही तौर पर खड़े भी ना हो पाते। वो तकलीफ़ इतनी थी कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी थी, यहाँ तक कि एक दिन आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई जब कुछ वहशी जानवर उसे मारने की कोशिश में थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो बिल्ली का बच्चा उनके पास था और कुछ दिनों में उनके जिस्म का पूरा दर्द गायब हो गया और फिर एक दिन उस बिल्ली की माँ उसको ढूंढती हुई आई और उसे अपने साथ ले गई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन के बाद उनको दर्द नहीं हुआ। आपने ये वाक़या फरमाते हुए कहा कि उस रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाने लगे कि ए अबू बकर, तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह ने आपके पास एक बिल्ली को भेजा जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द ठीक हो गया। जिन लोगों ने घरों में बिल्लियाँ पाल रखी होती है तो उन्हें यह मालूम होगा कि बिल्लियाँ कभी कभी नींद में एक अजीब आवाज़ निकालती हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की इस आवाज़ की फ्रिक्वेंसी 20 से 140 हर्ट्ज तक होती है और बिल्ली की आवाज़ों की ये फ्रिक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए नहायत मुफीद साबित होती है। आज की टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म में मौजूद एनर्जी और ताकत का इलम नहीं, लेकिन कदीम ज़माने के लोग बिल्लियों की इन खसूसियात से वाकिफ थे और यही वजह थी कि वो लोग बिल्लियों को खुद से दूर नहीं रखते थे। फ्रांस में की गई एक तहकीक के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि एक बिल्ली की आवाज़ें एक इंसान के जिस्म में थकावट और सुस्ती को दूर करते हैं। ये भी कहा गया कि एक बिल्ली के करीब रहने से जिस्म के ज़ख्मों में इन्फेक्शन का ख़तरा कम होता है और वो ज़ख्म भी जल्द ठीक हो जाते हैं और बिल्लियों के इन पुरसरार आवाज़ों की फ्रिक्वेंसी से हार्ट अटैक का ख़तरा भी कम हो जाता है। बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले अहदीस मुबारक में बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि ये पलीद नहीं बल्कि ये तो घर में चक्कर लगाने वालों में से है। तो बिल्ली की तमाम तर कबाहतों के बावजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इसके साथ नरमी का इजहार फरमाया है। अगर कोई बिल्ली खूनख्वार हो और घर का नुकसान करती है
तो उसे मारने की बजाय पकड़कर किसी दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना ठिकाना बदल ले। लेकिन उसे कत्ल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ना ही तकलीफ देने की। ये था वाक्या एंड इससे ही मिलता जुलता वाक्या हमने एक सुना था पहले भी। एंड सही कह रहे हैं ये कि बिल्ली को जो है मारना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा ने बिल्ली में एक ऐसी चीज़ जो भेजी हुई है कि वो जैसे मतलब कि अगर वहाँ पे किसी इंसान के घर रहती है वहाँ की सेहत सोच लोगों की ठीक रहती है ना, मतलब कि घर पे एक बरकत रहती है। और ये हमारे लोकैलिटी में भी ये चीज़ मानी जाती है कि बिल्ली को अगर आप मारोगे तो आपको सोने की बिल्ली बना के देना पड़ेगा। हाँ, बिल्ली को मारने से मना करते हैं। मैंने आज तक उसे कोई भी किसी को बिल्ली मारते हुए नहीं सुना है। हाँ, मारता कोई भी नहीं, पर अगर ऐसा भी माना जाता है हमारे पता नहीं मिथ्या फैक्ट है कि अगर बिल्लियाँ रो रही हो तो जरूर कुछ बुरा होने वाला होता है, तो फिर बिल्लियों को भगाते हैं वहां से की साइड में हट जाओ भाई घर के आसपास। हाँ, बिल्ली रास्ता काट देता है बुरा होता है, ऐसा सब माना जाता है फैक्ट। बाकी आपके क्या फैक्ट्स हैं बिल्लियों से रिलेटेड या क्या मिथ है वो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और जैसे ये इन्होंने कहा है कि जो बिल्ली सोते वक्त कोई आवाज़ करती है उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी होती है तो वो एक इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, पर हमें इस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं क्योंकि हमारे साथ तो कभी बिल्ली रही नहीं है एक रूम में या समथिंग क्लास में तो हो, लेकिन जो बिल्लियाँ रखते हैं उन्हें इस बात का ज़्यादा इलम होगा, उन्हें पता होगी कि चीज़ क्या इफेक्ट रहता है उनके साथ, क्या रहता है उनकी बॉडी के साथ। तो बाकी ये थी वीडियो, होप सबको रिएक्शन पसंद आया। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।